हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली ही BTS मेंबर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे देखकर आरबीज काफी ज्यादा इमोशनल और कंफ्यूज हो गई है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में BTS के यंगेस्ट मेंबर यानी कि हमारे जियोन जंगकुक रो रहे हैं, जिसे देखकर आर्मीज काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। क्योंकि आर्मीज को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जंगकुक रो पड़े, और इसीलिए काफी सारी आर्मीज ने अपने कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजकर पूछ रही है कि क्या ये वीडियो सच है, यानी कि क्या सच में जंगकुक रोए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते है कि जंगकुक की कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें जंगकुक रो रहे हैं और क्यों रो रहे हैं, ये जानने के लिए मेरी वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, हुआ ये है कि BTS मेंबर को एक जगह बैठाया जाता है और कुछ लोग वहां आकर BTS मेंबर को पूरी तरह डरा देते हैं, और वो उन्हें इतना ज्यादा डरा देते हैं कि जंगकुक वहीं रोने लगते हैं। इसीलिए जब आर्मीज ने ये वीडियो देखा तो आर्मीज ये जानने के लिए एक्साइटेड हो गई कि ये वीडियो कब की है और क्यों जंगकुक इस वीडियो में रो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, आर्मीज को शॉक और इमोशनल करने वाली BTS की ये वीडियो है BTS मेंबर के डेब्यूट के बाद की, यानी कि फ्रेंड्स, जब BTS मेंबर ने डेब्यूट किया था उसके कुछ टाइम बाद ही ये वीडियो कैप्चर की गई थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये एक रियल वीडियो नहीं, इनफैक्ट एक प्रैंक वीडियो है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ ये था कि BTS मेंबर को उनके अच्छे डांस यानी कि उनके डांस स्किल को बढ़ाने के लिए उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, और उसी दौरान जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो एक क्यूट वीडियो बनाने के लिए BTS मेंबर के साथ ये प्रैंक किया गया था कि कुछ लोग जबरदस्ती उनके गाड़ी में आ जाते हैं और उन्हें किडनैप करके दूसरी जगह ले जाते हैं। इसीलिए उस वीडियो को वहाँ पर शूट किया गया था और उन्हें डराने की कोशिश की गई थी, और वो लोग BTS मेंबर से कहते हैं कि हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और इस तरह वो लोग BTS मेंबर को डराने में सक्सेस भी हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पर जंगकुक इतना ज्यादा डर जाते हैं कि जंगकुक वहाँ पर रोने ही लगते हैं, यानी कि उनकी आंखों में आंसू तक आ जाती है। पर फ्रेंड्स, वैसे तो ये सिचुएशन सच में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है, जिससे कोई भी डर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में देखा जाता है कि जिन लोगों ने BTS मेंबर का किडनैप किया था वो अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर BTS मेंबर भी नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके बाद BTS मेंबर को नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि जिन्होंने उनका किडनैप किया था वो उनके न्यू डांस टीचर हैं, जो उनकी डांस में हेल्प करने आए हुए थे, और साथ ही साथ उनके डांसिंग स्किल को भी बढ़ाने में उनकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने BTS मेंबर के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो BTS मेंबर को डराने की क्यूट सी वीडियो बनाने चाहते थे। एंड जब ये सारी बातें मेंबर्स को पता चली तो वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए और साथ ही साथ काफी ज्यादा खुश भी हो गए, क्योंकि उन्हें नए डांस टीचर मिल गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर काफी सारी आर्मीज का ऐसा भी कहना है कि उन्हें BTS मेंबर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में काफी लोग डर जाते हैं और ऐसे में कुछ भी हो सकता है, किसी को भी इस तरह डराना बहुत ही गलत बात है। पर फ्रेंड्स, इसमें कोई भी सीरियस लेने वाली बात नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था जो उनके डांस टीचर ने उनके साथ किया था। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि BTS मेंबर के साथ इस तरह प्रैंक करके उनके न्यू डांस टीचर ने अच्छा किया या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।